अपने बीच आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर एम एल चौरसिया जी से अनुरोध करूंगा कि महाराज जी का पुष्प गुच्छ एवं से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। संपूर्ण आरोग्यता यह भारत की इस प्राचीन स्वास्थ्य पद्धति के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। भारत के पास ज्ञान विज्ञान का एक अथाह भंडार विरासत में प्राप्त हुआ है, लेकिन अपने ज्ञान विज्ञान के इस विरासत का जानकारी के अभाव में समुचित उपयोग हम नहीं कर पाए हैं और यही कारण है कि पाश्चात्य अपसंस्कृति भारतीय परंपरा पर हावी होते हुए दिखाई देती है। देश के अंदर जब हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, आजादी के बाद हर क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुआ, लेकिन बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में विगत 4-4.5 वर्षों के अंदर जो कार्य हुआ वह अत्यंत ही अतुलनीय है, सराहनीय है और अभिनंदनीय है। योग की परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलना, आयुष अपने आप में एक मंत्रालय के रूप में देश के अंदर सफलतापूर्वक कार्य करना, वेलनेस सेंटर के रूप में प्रत्येक गांव और कस्बे में स्वास्थ्य के प्रति व्यापक जागरूकता का एक नया अभियान चलाना, अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो कार्य हुआ उस कार्य में भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की बड़ी भूमिका हो सकती है और मुझे लगता है कि आयुर्वेद से जुड़े हुए जो वैद्यगण हैं, चिकित्सकगण हैं, सबसे पहले उन्हें इसके बारे में स्वयं तैयार होना होगा। मेरा यह मानना है कि देश के अंदर जब मेडिकल टूरिज्म की हम बात करते हैं तो भारत के अंदर वो संभावनाएं हैं जो आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी को मिलाकर के एक संपूर्ण स्वास्थ्य पद्धति का निर्माण करते हुए हम पूरी दुनिया को भारत के पास संपूर्ण आरोग्यता के लिए एक मंच उपलब्ध करा सकते हैं।